बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वेट कैलकुलेशन देखेंगे, वेट कैलकुलेशन फार्मूला देखेंगे एमएस प्लेट का। अगर हमारे पास कोई एमएस प्लेट दी हुई है तो उसका हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखें फ्रेंड्स, जब भी हम एमएस प्लेट का वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, एक उसका वॉल्यूम और दूसरी उसकी डेंसिटी। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। देखें फ्रेंड, दो चीज़ें हमारे पास होनी लाजमी है, एक वॉल्यूम और दूसरी डेंसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और बाद में हम देखेंगे कि उसकी डेंसिटी। तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास लेंथ, उसका हमारे पास विड्थ, प्लेट की विड्थ, प्लेट की लेंथ और उसकी थिकनेस, ये हमारे पास क्या होता है, इससे जरिए हम क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने एक इमेज ड्रा की हुई है। सपोज करते हैं हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर, और जो उसके पास विड्थ है वो भी उसकी तकरीबन 1 मीटर की विड्थ है, और जो हमारे पास थिकनेस है, थिकनेस देखते हैं कि वो 10 मिली की हमारे पास प्लेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0.01 मीटर हो जाएगी। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ये लेंथ हमारे पास मीटर में है, विड्थ भी हमारे पास मीटर में है, और जबकि हमारे पास थिकनेस है उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वॉल्यूम और उसके साथ थिकनेस हम पुट कर देंगे, वैल्यू इसकी 0.01। तो इस तरह से हमारे पास जो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, दोस्तों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ हो गया, तो ये मीटर क्यूब इसके अंदर ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास वॉल्यूम है ये तो हमने एक सपोज किया हुआ है कि हमारे पास 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी विड्थ है। तो आप जैसे जैसे प्लेट के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 मीटर है और इसकी ये हमारे पास विड्थ है, कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ हो सकती है, थिकनेस भी हमारे पास चेंज हो सकती है। तो ये एक इमेजिनरी पोजिशन वैल्यूज़ हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास एक चीज़ हमने फाइंड कर ली, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। जबकि दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास डेंसिटी। तो देखें फ्रेंड्स, जो हमारे पास एमएस प्लेट होती है उसकी जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 8750 kg m³। ये देखें दोस्तों, वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, डेंसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट होती है, ये हमने डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, 7850 kg/m³। अब दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वेट फाइंड करेंगे। वेट के लिए क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम हमने कितना निकाला, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0.01 है, डेंसिटी ये है 8750। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास केजी के अंदर, इस तरह से हम उसका क्या दोस्तों, वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उसका सही से जवाब दे सकूं। तो दोस्तों इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में ये वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबके इल्म में इजाफा हो। और इस वीडियो से रिलेटेड मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया।